Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class mein humne evidences ko read kiya, humne 5 evidence ko read kiya, jisme pehla tha morphological and anatomical evidence, second bio geographical evidence, embryological evidence, biochemical evidence, और लास्ट क्लास में हमने मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एंड मोस्ट हम कह सकते हैं बेस्ट इविडेंस दैट इज पैलेंटोलॉजिकल इविडेंस को रीड किया। पांच इविडेंसेस के बाद यानी कि इन इविडेंसेस के बाद साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया एवोल्यूशनरी यानी कि फाइलोजेनी ऑफ वेरियस एनिमल्स को ट्रेस करना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, ह्यूमंस, हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस में जो है वह है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक हॉर्स इवॉल्व हो गया, कैसे इवॉल्व हो गया, क्या चेंजेस आ गई उसमें, जो पहले से चेंज वो क्या खत्म हो गई, कौन सी चेंजेस डिजनरेट हो गई, कौन सी चेंजेस रीजनरेट हो गई एटसेट्रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, और उसी के बाद इसी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जिसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, ह्यूगो ड्यूराइस, म्यूटेशन थ्योरी एटसेट्रा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हम हॉर्स में देखेंगे कि किस तरीके से हॉर्स इवॉल्व हुआ है, और उसके बाद हम रीड करेंगे थ्योरीज। डियर स्टूडेंट्स, जो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है ये पहले दिया, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को पहले दिया, स्टडी किया मार्श ने इन 1879 जो मार्श है इसने पहली बार स्टडी किया एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को, और जो पहला हम कह सकते हैं हॉर्स इवॉल्व हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो वो हुआ है इओसीन, यानी कि हॉर्स जो पहला इवॉल्व हो गया या पहली बार जब हॉर्स बना है वो बना है इओसीन इपोक में। इओसीन इपोक में आई विल गेट अ न्यू मार्क। तो वो इओसीन मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया है, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया, हमने पढ़ाया वहां पे इपोक्स, इओसीन इपोक में। तो इओसीन इपोक में पहली बार जो है हॉर्स की एवोल्यूशन हुई, हम कह सकते हैं ओरिजिन हुआ है हॉर्स का। और जो हॉर्स का पहला फॉसिल है उसको कहां मिला है, वो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पहला हॉर्स का फॉसिल मिला, जिसको नाम रखा गया था इओहिप्पस, इओहिप्पस। सो यहां पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए बेटा, इसको आप ये नोट करके रखिए वहां पे, ये नीट पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स, वो है इओहिप्पस, जो नॉर्थ अमेरिका में मार्श ने पहली बार देखा। और ये जो हॉर्स है पहली बार जब हॉर्स पैदा हुआ, हम यहां कहते हैं पहली बार जब हॉर्स बना है वो बना है इओसीन इपोक में। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे हॉर्स की एवोल्यूशनरी ट्रेंड को, एवोल्यूशनरी ट्रेंड को, एवोल्यूशनरी ट्रेंड को। व्हाट इज एवोल्यूशनरी ट्रेंड, ध्यान से सुनिए बेटा। देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रीड करेंगे, एवोल्यूशनरी लीनिएज को ट्रीट करेंगे, यानी कि किस तरीके से वो एंसेस्टर से इवॉल्व हो गया और किस तरीके से वो मॉडर्न एज में या डिसेंडेंट में किस तरीके से वो इवॉल्व हो चुका है, हम उसे कहते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड। एवोल्यूशनरी ट्रेंड मींस बाय स्टडिंग एन ऑर्गेनिज्म, बाय स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बाय स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू इट्स डिसेंडेंट्स, यानी कि एंसेस्टर्स यानी कि जब वो पहली बार बना है, जब उसका पहली बार ओरिजिन हुआ है, वहां से लेके किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, इवॉल्व हुआ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द न्यू हैबिटेट। जैसे इंसान की हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द साइंस हम कहते हैं ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हो चुका है एप्स से। अगर हम बात करेंगे पहले एप्स को देखिए, अगर हम खुद को कंपेयर करेंगे चिंपैंजी के साथ, गोरिल्ला के साथ, एप्स के साथ, वहां से एक ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हुआ फ्रॉम एप्स टिल मॉडर्न मैन, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड।
सो व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद द हम कह सकते हैं एंसेस्टर एंसेस्टर्स और विद द एंसेस्ट्रल पर्सन, जैसे प्रोकैंथस था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, जावा मैन है, पेकिंग मैन है, एक्सेट्रा, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई है, बहुत सारी चेंजेस हुई है. ये जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई है, ये जो एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन हुई है फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू द डिसेंडेंट्स, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड. सो व्हाट इज एक्चुअली एवोल्यूशनरी ट्रेंड? चेंज change or modification of an organism change or modification of an organism kahan se? From ancestors kahan tak? To डिसेंडेंट. तो किस तरीके से मॉडिफाई हुआ एक ऑर्गेनिज्म, इसे हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड. तो ये जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, इसमें हम एवोल्यूशनरी लीनिएज को स्टडी करते हैं. व्हाट इज एन एवोल्यूशनरी लीनिएज? सपोज जब हम एंसेस्टर से स्टार्ट करते हैं, कितने स्टेजेस हो चुके हैं? एवोल्यूशनरी लीनिएज में हम स्टेजेस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस को, कि पहला स्टेज क्या हुआ होगा एक एनिमल का, उसके बाद उसका सेकंड स्टेज क्या होगा, उसके बाद इसका थर्ड स्टेज क्या होगा, उसके बाद इसका फोर्थ स्टेज क्या होगा, उसके बाद इसका फिफ्थ स्टेज क्या होगा. यानी कि कितने स्टेज एक ऑर्गेनिज्म ने, एक एनिमल ने, फ्रॉम एंसेस्टर्स टिल डिसेंडेंट तक कितने स्टेजेस उसने क्रॉस किए होंगे, कितने स्टेज उसने पास किए होंगे. डेफिनेटली जब हम बात करेंगे हॉर्स, जब हॉर्स पहली बार जो इसका ओरिजिन हुआ इओसीन इपोक में, इसका ओरिजिन हुआ जब इओसीन इपोक में, हॉर्स का पहला ओरिजिन हुआ, इसको हमने नाम लिखा इओहिप्पस. और जब हम देखते हैं आज का मॉडर्न हॉर्स इक्वस, गो इक्वस, इओहिप्पस से लेके इक्वस तक कितने स्टेजेस हैं, कितने हम कह सकते हैं स्टेजेस है, कितने ऑर्गेनिज्म है, कितने मॉडिफिकेशन है जो हुए होंगे फ्रॉम अर्ली टू दिस टाइम, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी लीनिएज. हम कहते हैं एवोल्यूशनरी लीनिएज. तो हम एक चार्ट बनाते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हम दिखाते हैं कि पहला कौन सा इस एनिमल का पहला हम कह सकते हैं एंसेस्टर कौन था, उसके बाद उसका सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, फिफ्थ कौन था, टिल मॉडर्न. तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड को स्टडी करने. डियर स्टूडेंट्स, क्या चेंजेस हुई होंगी हॉर्स? यानी कि जब पहला फॉसिल पैदा हुआ हॉर्स का, दैट वॉज इओहिप्पस. इओहिप्पस से लेके मॉडर्न हॉर्स, यानी कि अगर हम स्टार्ट करेंगे इओहिप्पस, इओहिप्पस का जो ओरिजिन हुआ है वो इओसीन है, कितना 60 मिलियन ईयर्स एगो पहली बार जो है इओसीन इपोक में इओहिप्पस का ओरिजिन हुआ. तो इओहिप्पस हॉर्स, ये हम हॉर्स नहीं कह सकते, बिल्कुल ये हॉर्स का एंसेस्टर है. इओहिप्पस का ओरिजिन हुआ है नॉर्थ अमेरिका में इओसीन इपोक में. गो इओहिप्पस से लेके, यानी कि 60 मिलियन ईयर्स एगो जो इओहिप्पस था, वहां से लेके मॉडर्न हॉर्स तक कितने चेंजेस आए होंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन आए होंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए. क्या चेंज आए होंगे? पहला, इंक्रीज इन साइज. बेटा साइज जो है वो इंक्रीज हुआ. इओहिप्पस का जो साइज था वो था 30 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 30 to 40 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स लिखते हैं 40, कुछ लिखते हैं 30 सेंटीमीटर. वो 30 या 40 सेंटीमीटर से लेके जो आज का प्रेजेंट मॉडर्न हॉर्स है वो है 150 सेंटीमीटर. सी द इंक्रीज इन, जो पूरा साइज है वो इंक्रीज हुआ. इंक्रीज इन द लेंथ या साइज हम कह सकते हैं ऑफ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स है उनमें मेजोरिटी इंक्रीज हुआ साइज में, लेंथ में. इओहिप्पस बिल्कुल 30, आप ध्यान से सुनिए, 30 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इसका जो साइज होगा वो एक कुत्ते के जैसा होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू डॉग. सो आप ध्यान से सुनिए कि 60 मिलियन ईयर्स एगो
ईओसीन इपोक में जो पहला एंसेस्टर मॉडर्न हॉर्स का था वो सिर्फ और सिर्फ 30 सेंटीमीटर का, इक्वल टू डॉग, डॉग के साइज का हॉर्स ईओहिप्पस ईओसीन इपोक में। तो आप उस यकीन आप ध्यान से देखिए उस वक्त उसकी फोर लिम्स और हाई लिम्स का साइज कितना होगा। जस्ट अगर आपको याद रहा, आप कंपेयर कीजिए आज का डॉग और आज का हॉर्स। अब आप देखिए आज के डॉग के साइज ऑफ फोर लिम्स एंड हाई लिम्स और फिर देखिए मॉडर्न हॉर्स के साइज ऑफ फोर लिम्स एंड हाई लिम्स, इज अ चेंज, इज अ मॉडिफिकेशन। सो यहां पे वही हुआ, इंक्रीज हुआ लेंथ क्या, फोर लिम्स और हाई लिम्स। ये स्टूडेंट्स जो हॉर्स का हम कह सकते हैं बैक, जो बैक पोर्शन है वो स्ट्रेट हुआ और स्टिफ हुआ, द बैक बिकम्स स्ट्रेट एंड स्टिफ। घोड़े का जो बैक पोर्शन हम कह सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट और स्टिफ रहे। क्यों? क्योंकि घोड़े को जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली बैक पोर्शन वर्टेब्रल कॉलम की जो हम कैसे बैक पोर्शन की उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, वो स्टिफ हो गया। क्योंकि आगे चलकर घोड़े के एवोल्यूशन में ये सबसे मेन चीज है कि घोड़ा जो है वो यूज किया गया फॉर किस चीज के लिए, कोई चीज कैरी करने के लिए, कोई हैवी चीज कैरी करने के लिए या लोगों को कैरी करने के लिए, जिसकी वजह से उसका जो बैक है वो बिल्कुल स्टिफ बन गया। तो दैट मीन जो बैक में उसमें इंक्रीज हुआ लेंथ और साइज में और वो स्ट्रेट हो गया, स्टिफ हो गया। वन मोर पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के जो डेवलपमेंट में है उसमें मॉडिफिकेशन आ। ये स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज ये हमारे फोर लिम्स है, तो हमारे फोर लिम्स में फाइव फिंगर्स है, ठीक है बेटा। हमारी फोर लिम्स में जो हमारे फोर लिम्स का आर्म है इसमें हमें फाइव फिंगर्स है, ठीक है, हमारे फाइव फिंगर्स। तो इसी तरह जो हमारे हाइंड लिम्स है यानी कि जो हमारे लेग्स है, लोअर लिम्स है, इसमें भी हमें फाइव फिंगर्स है। अगर आप देखोगे ये बोन्स यहां पे एक दो तीन चार और पांच, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ये जो ये कार्पल्स है ये मेटाकार्पल्स है और ये फेलेंजीज है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है 11th क्लास में। तो ध्यान से देखिए जो हॉर्स है यानी कि जो ईओहिप्पस है, ईओहिप्पस में ये पांच फिंगर्स हुआ करते, जैसे पांच है, एक दो तीन, एक दो तीन चार और पांच, पांच फिंगर्स थे। जिसमें ध्यान से सुनिए, ईओहिप्पस का पास फाइव फिंगर्स, उसके फोर लिम्ब्स में फाइव फिंगर्स थे, जिसमें फिफ्थ फिंगर जो थी वो स्प्लिंट थी, हम कह सकते हैं वो टूटी हुई थी, रिड्यूस थी साइज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये फाइव फिंगर्स है, जो ईओहिप्पस था उसके फाइव फिंगर्स थे और उन फाइव फिंगर्स में जो फिफ्थ फिंगर थी वो बिल्कुल थी रिड्यूस्ड साइज में, और जो बाकी चार थे, सेकंड थर्ड फोर एंड फिफ्थ, जो बाकी चार थे ये बराबर साइज में थे। वो फोर फिंगर्स कंप्लीट थे, कौन कौन सी, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जो फर्स्ट हम कह सकते हैं फर्स्ट फिंगर थी वो क्या थी, रिड्यूस्ड। और रिड्यूस्ड फिंगर्स को हम कहते हैं स्प्लिंट बोन्स, यानी कि ब्रेक, टूटी हुई बोन्स, स्प्लिंट बोन्स। तो दैट मीन जो ईओहिप्पस है उसके जो फिंगर्स है उसमें फर्स्ट फिंगर स्प्लिंट थी और चार कंप्लीट थे, ये फोर लिम्स की बात कर रहा हूं मैं। अब जब हाइंड लिम्स की बात करेंगे, हाइंड लिम्स में क्या था, हाइंड लिम्स में भी एग्जैक्ट ऐसा ही था, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीट, इस तरह फर्स्ट जो है स्प्लिंट थी। उसके बाद इन लिम्ब्स में, इन फिंगर्स में एडवांसमेंट होगी, मॉडिफिकेशन होगी, चेंज होगी। आज के मॉडर्न मैन अगर आप देखोगे उसके पास एक ही फिंगर और एक ही टो है, जो थर्ड फिंगर जो थी वही मॉडिफाई हुई, वही स्ट्रांग बनी, वही इंक्रीज हुई लेंथ और साइज में, जिस पे घोड़े का पूरा बॉडी का वेट पड़ा है। तो दैट मीन जो थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर जो है ये इंक्रीज है लेंथ में, इंक्रीज है साइज में, सो दैट इट कैन बियर द होल वेट ऑफ द बॉडी। जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स है ये रिड्यूस हो गए, स्प्लिंट हो गए।
और चूंकि जब घोड़ा पहली बार जब इसने सीखा दौड़ना रनिंग करना, तो जो इसके पांच फिंगर्स थे ये इसको हम कह सकते हैं ये उसके ऑब्स्टेकल बन गए, रुकावट बन गए दौड़ने में, जिसकी वजह से इसके रेस्ट ऑफ द फिंगर्स डिजनरेट हो गए, डिसयूज हो गए, ऐसा रिड्यूस हो गए साइज में, जिन्हें हमने कहा है स्प्लिंट बोन्स। और जो थर्ड फिंगर है वो थर्ड फिंगर इंक्रीज हुई साइज में, वो थर्ड फिंगर इंक्रीज हुई लेंथ में। तो आज का जो मॉडर्न हॉर्स अगर हम देखेंगे उसकी जो थर्ड फिंगर है, चाहे वो फोर लिम्स की बात करेंगे चाहे वो हाइंड लिम्स की बात करेंगे, वो इंक्रीज है साइज में, वो इंक्रीज है लेंथ में, और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स रिड्यूस हो चुका है, स्प्लिंट बोन्स बने, क्योंकि उनकी नींव नहीं थी। मुझे यहां पे एक बात याद आ रही है लेमोर की, लेमोरकिज्म में एक पॉइंट है जो हम अभी पढ़ेंगे, उसमें उसने कहा यूज एंड डिसयूज। वो कहता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म को कोई ऑर्गन यूज करना होता है तो उसको यूज करता है, सपोज अगर उसने कोई ऑर्गन यूज नहीं करना है, इससे उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिसयूज हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। वही हुआ है हॉर्स को, जब हॉर्स इवॉल्व हो रहा था, जब हॉर्स मॉडिफाई हो रहा था, जब हॉर्स चेंज हो रहा था, तो क्या हुआ कि हॉर्स के जो फिंगर्स थे, उसके जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स थे, वो इसके दौड़ने में, उसके चलने में, उसके भागने में उसको रुकावट आ रहे थे, ऑब्स्टेकल बन रहे थे, जिसकी वजह से जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स है वो रिड्यूस हो गए, डिजनरेट हो गए, और जो उसकी थर्ड फिंगर है या थर्ड टो है वो इंक्रीज हुआ साइज में, वो इंक्रीज हुआ लेंथ में, जो मॉडिफाई हुआ, जिससे उसके पूरे बॉडी का वेट उस पर पड़ गया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के साथ ओनली थर्ड फिंगर एंड टो increase in size and the rest of the fingers, become reduced. जो third finger है वो increase हुई size में, जबकि बाकी finger जो थे वो क्या हो गए, वो रिड्यूस हो गए, वो स्प्लिट बोन्स बन गए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट के दौरान, एवोल्यूशन के दौरान जो हॉर्स के खाने का स्टाइल था, या हम कह सकते हैं जो फूड था, उसमें चेंज आ गए, मॉडिफिकेशन आ गए, और उसकी वजह से जो इसके टीथ है उनमें भी चेंज आ गए। फॉर एग्जांपल यहां पे शॉर्ट में लिखूंगा, जो इंसीजर्स है वो वाइडर होने लगे, वाइडर होने लगे, प्री मोलर्स जो है प्री मोलर्स आर रिप्लेस बाय मोलर्स, इनामल टीथ बनने लगे, यानी कि टीथ के जो आउटर कवरिंग पे इनामल बनने लगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि घोड़े का जो खाना था वो बिल्कुल हार्ड था, जिसकी वजह से उसके टीथ पे इनामल बनने लगा, स्ट्रॉन्ग कस्पस बनने लगे, क्योंकि जब खाने का स्टाइल चेंज होता है, मॉडिफिकेशन हो गई फूड में, तो डेफिनेटली जो इसके टीथ है उनमें भी क्या चेंजेस आने लगे। ये कुछ हम कह सकते हैं चेंजेस थे जो एवोल्यूशन के दौरान हॉर्स में होने लगे, यानी कि जब पहली बार हमने हॉर्स जो है इवॉल्व हुआ इओहिपस से लेके मॉडर्न हॉर्स तक, उसमें मॉडिफिकेशन की चेंज आने लगी, कौन कौन सी चेंज आ रही, कौन कौन सी इंक्रीज, वो मैंने यहां पे आपको नोट किया। अब मैं आपको एक टेबुलर, देखिए ऑलमोस्ट जब हम एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पढ़ रहे हैं बहुत सारे स्टेज, लेकिन मैंने आपको यहां पे सिर्फ पांच स्टेज पढ़ी। एक है सबसे पहला इओहिपस, दूसरा है मियोहिपस, थर्ड है मेरिशिपस, फोर्थ है प्लियोहिपस, एंड फिफ्थ वन जो मॉडर्न है इकोपस। ये पांच स्टेज हम पढ़ेंगे हॉर्स में। इस पांच स्टेज में हमें क्या क्या स्टडी करना है, एक तो हम पढ़ेंगे हॉर्स का साइंटिफिक रैंक, उसके बाद हम उनका कॉमन नेम रीड करेंगे, उनका साइज देखेंगे, कब कितने साल पुराने हम कैसे कितने इवॉल्व हुए, किस एज में किस टाइम में इवॉल्व हुए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपीयर, वो दिखता कैसा, उसकी शेप कैसी, और हम सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी नीट में पूछा जाता है
वो इसके फिंगर्स यानी कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के बारे में, वो हम रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैबुलेट फॉर्म। आप ये नोट कीजिए, उसके बाद वो टेबुलेट फॉर्म दिखा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स या एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ हॉर्स एज अ टैबुलेट फॉर्म। फोल्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं वन बाय वन ये दिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, इसका सीरियल, यह इसका सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे साइंटिफिक नेम पे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम जाएंगे कॉमन नेम पे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम जाएंगे एज यानी कि कब ये फॉसिल या कब ये हॉर्स था, ये किस एज में था। उसके बाद हम देखेंगे इसकी लेंथ, उसके बाद इसकी अपीयरेंस, और उसके बाद फोर लिम्स कितने हैं और हाइंड लिम्स कितने हैं। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद यहां पर साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, अंडरस्टैंड कीजिए ध्यान से। हम एक टैबुलॉइड फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशनरी हॉर्स या एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो हुआ या एवोल्यूशनरी लीनियर जो हुआ, किस तरीके से हॉर्स इवॉल्व हुआ, कौन कौन से स्टेजेस है। यहां सीरियल नंबर, यहां साइंटिफिक नेम, यहां पे कॉमन नेम, यहां पे कॉमन नेम, उसके बाद कौन सा इपोक था यानी कि किस इपोक में हॉर्स था, ये हॉर्स किस इपोक में था। यहां पे हम लेंगे एज इन मिलियन इयर्स, यहां पे हम लेंगे साइज, यहां पे हम लेंगे अपीयरेंस, मीन जो हॉर्स है ये दिखता कैसा था, यहां पे हम लेंगे फोर लिम्स यानी कि फोर लिम्स के फिंगर्स और हाइंड लिम्स के फिंगर्स कैसे थे। ये बेटा फोर लिम्स के फिंगर्स और हाइंड लिम्स के फिंगर्स कैसे थे। सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट, इसका नाम था ईओहिप्पस, ई आई ओ एच आई पी पी यू एस, इसे हम कहते हैं ईओहिप्पस। क्या कहते हैं बेटा, ईओहिप्पस है इसका नाम, जो पहली बार नॉर्थ अमेरिका में इस फॉसिल को मार्स ने पहली बार देखा, ईओहिप्पस। इसका नाम रखा, साइंटिफिक नाम है इसका ईओहिप्पस। इसका कॉमन नेम था डॉन हॉर्स, डी ए डब्ल्यू एन डॉन, एच ओ आर एस ई, डॉन हॉर्स इसका कॉमन नेम था। सो ईओहिप्पस इज द साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम, डॉन हॉर्स इसका कॉमन नेम है। किस इपोक में, देखिए यहां पे ईओ तो इट मींस ईओसीन, ई आई ओ सी ई एन ई, ईओसीन, अंडरस्टैंड कीजिए कितने साल पहले ये इवॉल्व हुआ है, किस, यहां से हम देखते हैं 60 मिलियन ईयर्स एगो इसको पहली बार देखा गया है। साइज क्या था इसका, इसका साइज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, साइज हम लेते हैं सेंटीमीटर्स में, 40 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स इतने 30 सेंटीमीटर, इट इज 40 सेंटीमीटर, साइज 40 सेंटीमीटर, और दिखता कैसा था, बिल्कुल फॉक्स लाइक, फॉक्स लाइक, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिए, यहां पे जगह थोड़ा कम है, फोर लिम्स, जो फोर लिम्स है इसके फोर लिम्स है चार फिंगर्स थे, फोर फिंगर्स टोटल, इसके जो फोर लिम्स थे उसमें सिर्फ कितने फिंगर्स थे, चार फिंगर्स, कौन कौन से, ध्यान से देखिए, 2, 3, 4 and 5, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 and नंबर 5 जो फर्स्ट फिंगर थे। अभी मैंने आपको बोला जैसे ये है, अब ध्यान से देखिए, सेकंड थर्ड फोर एंड फिफ्थ, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फिंगर थे ये रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड फिंगर को हम क्या नाम देते हैं, स्प्लिंट बोन,
क्या नाम देते हैं, स्प्लिंट बोन, यानी कि रिड्यूस्ड है। जो फिंगर रिड्यूस होगी उसे हम कंप्लीट नहीं कहते, उसे हम फिंगर नहीं देते। तो सिर्फ चार फिंगर्स थे, फिंगर नंबर सेकंड, फिंगर नंबर थर्ड, फिंगर नंबर फोर एंड फिंगर नंबर फाइव। जो फर्स्ट फिंगर थी ये क्या थी, रिड्यूस्ड। तो ध्यान से देखिए, टोटल चार फिंगर्स, कौन कौन सी, सेकंड, थर्ड, फोर एंड फाइव। और जो फर्स्ट फिंगर थी, जो फर्स्ट फिंगर थी वो क्या थी, स्प्लिंट, स्प्लिंट रिड्यूस्ड। इसी तरह हाइंड लिम्स को देखे, हाइंड लिम्स में सिर्फ तीन टोज थे या तीन फिंगर्स थे, कौन कौन सी, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड। सो जो हाइंड लिम्स थे, हाइंड लिम्स में सिर्फ तीन टोज थे, कौन कौन सी, सेकंड, सॉरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहली नहीं थी, फर्स्ट टोटल नहीं थी, सिर्फ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां ध्यान से देखिए, फर्स्ट टोटल नहीं थी, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ थी, और जो फिफ्थ थी ये थी रिड्यूस्ड। तो फिफ्थ क्या थी, स्प्लिंट, स्प्लिंट। यहां जगह कम है, आपके नोट्स में मैंने सब कुछ मेंशन किया है। सो ध्यान से सुनिए, ईओहिपस पहला हम कह सकते हैं एवोल्यूशनरी हॉर्स का मैं पहला जो था वो था ईओहिपस, जो पहला एंसेस्टर था हॉर्स का। इसका जूलॉजिकल नेम, कॉमन नेम है डॉन हॉर्स। किस इपोक में इसको पहली बार देखा गया, ईओसीन में, कब, आज से 60 मिलियन ईयर्स एगो। और इसका साइज क्या था, 40 सेंटीमीटर। कैसा दिखता था, बिल्कुल डॉग या फॉक्स की तरह। फोर लिम्स में कितने फिंगर्स थे, टोटल चार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ध्यान सुनिए, फोर लिम्स में चार, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट। जो फर्स्ट फिंगर थी वो स्प्लिंट थी। इसी तरह जो हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स सिर्फ तीन टोज थे, ध्यान से, सिर्फ तीन टोज थे। फर्स्ट फिंगर टोटल नहीं थी, फर्स्ट टो टोटल था ही नहीं। उसके बाद सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, जो फिफ्थ टो था ये था स्प्लिंट। वही मैंने लिखा, फिफ्थ इज स्प्लिंट। ये था पहला, फर्स्ट वन। अब हम जाएंगे सेकंड पे। सो नाउ सेकंड, सेकंड कौन था, इसे कहते हैं मीजोहिपस, एम ई एस ओ एच आई पी पी यू एस, मीजोहिपस। इसका कॉमन नेम क्या था, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हॉर्स, इंटरमीडिएट हॉर्स। ऑलिगोसीन में इसको पहली बार देखा गया, ऑलिगोसीन, यानी कि किस इपॉक में इसको देखा गया, ऑलिगोसीन इपॉक में, कब, 40 मिलियन ईयर्स एगो। साइज क्या था इसका, 60 सेंटीमीटर्स। सो 40, 40 मिलियन से 40 मिलियन ईयर्स एगो इसकी जो हम कह सकते हैं ये ऑलिगोसीन में इवॉल्व हुआ। और इसका जो साइज है, आप ध्यान से सुनिए, साइज बढ़ गया, यहां 40 सेंटीमीटर था, यहां पे 60 सेंटीमीटर। बिल्कुल शीप की तरह दिखता था, इट लुक्स लाइक शीप, इट लुक्स लाइक। अब ध्यान से देखिए, फोर लिम्स में कितने फिंगर्स थे, चार फिंगर्स थे, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, अब ध्यान से, चार फिंगर्स थे, ध्यान देखिए, चार फिंगर्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चार फिंगर्स। जो फर्स्ट थी वो क्या थी, स्प्लिंट, यानी कि ईओहिपस में जो फर्स्ट थी वो स्प्लिंट थी, रिड्यूस्ड। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मीजोहिपस में जो ये फर्स्ट था ये डिसअपीयर हो गया। क्या हो गया, डिसअपीयर। बचा कौन, सेकंड बचा, थर्ड बचा, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फिफ्थ थी ये रिड्यूस हो गई, फिफ्थ क्या थी, रिड्यूस, फर्स्ट डिसअपीयर, फर्स्ट है ही नहीं। फिफ्थ क्या हुई, स्प्लिंट, रिड्यूस। बचे कितने, तीन। तो कंप्लीट कितने फिंगर्स है, तीन। तो हम कह सकते हैं फोर लिम्स में तीन कंप्लीट फिंगर्स थे, कौन कौन सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ को क्या हुआ, स्प्लिंट, और फर्स्ट को क्या हुआ, डिसअपीयर, डिसअपीयर। तो फर्स्ट क्या हो गए, डिसअपीयर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए आप, फाइव, जो फर्स्ट फिंगर थी फोर लिम्स की, जो फर्स्ट फिंगर थी मीजोहिपस में क्या हो गई, डिसअपीयर, ये है ही नहीं, अभी को ये है ही नहीं। तो बचे कितने, चार, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, लेकिन जो फिफ्थ है ये रिड्यूस्ड,
ये क्या है रिड्यूस, तो टोटल कितने फिंगर्स हो गए, तीन, तो वही में लिखा तीन फिगर्स, कौन कौन सा नंबर, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वायरस फर्स्ट डिसअपियर, वायरस फिफ्थ रिड्यूस सप्लिंट, वही मैंने लिखा। उसके बाद जाइए हाइंड लिम्स में, हाइंड लिम्स में ध्यान से देखिए, मैंने ऊपर लिखा था कितने टोज है, तीन, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्या हो गया है स्प्लिंट, तो यहां पे तीन ही टोज है, तीन ही टोज है, सेकंड थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो तीन टोज आप ध्यान से देखिए, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो इयो हिपस में इसके हाइंड लिम्स में तीन टोज थे, कौन कौन सा, सेकंड था थर्ड था और फोर्थ था, फर्स्ट था पहले डिसिप्लिन वो था ही नहीं, सेकंड था थर्ड था फोर्थ था, बचा कौन फिफ्थ, जो फिफ्थ था अब ये स्प्लिंट हो गया, ये स्प्लिंट था किसमें इयो हिपस में, लेकिन यहां मीजो हिपस में ये फिफ्थ क्या हो गया डिसिप्लिन। सो आई रिपीट अगेन, इन इयो हिपस टोज थे तीन, कितने टोज थे तीन, फर्स्ट तो था ही नहीं, सेकंड था थर्ड था फोर्थ, सेकंड टो कंप्लीट थर्ड टो कंप्लीट फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ क्या थी स्प्लिंट, लेकिन मीजो हिपस में क्या है सेकंड कंप्लीट थर्ड कंप्लीट फोर्थ कंप्लीट, जो फिफ्थ है ये क्या हो गई डिसअपीयर, सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट फिफ्थ डिसअपीयर, फिफ्थ क्या हो गई डिसअपीयर। इज इट क्लियर, ये कौन सा हॉर्स था, ये था मीजो हिपस हॉर्स। नेक्स्ट, अब हम जाएंगे आगे थर्ड स्टेज पे, ध्यान से देखिए बेटा, थर्ड वन, इसे कहते हैं मैरी शिपस, एम ई आर वाई सी एच आई पी पी यू एस, मैरी शिपस, मैरी शिपस क्या था इसका कॉमन नेम, रूमिनेंट, इसे कहते हैं रूमिनेंट हॉर्स, इसे कहते हैं रूमिनेंट हॉर्स, किस इपोक में ये इवॉल्व हुआ, मियोसीन में, मियोसीन एम आई ओ सी ई एन ई, कब, 20 मिलियन ईयर्स एगो, 20 मिलियन ईयर्स एगो, क्या थी इसकी हाइट या लेंथ हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, कैसा दिखता था डंकी की तरह, डी ओ एन के ई वाई, डंकी है ना, बिल्कुल डंकी की तरह। अब ध्यान से देखिए फोर लिम्स में कितने फिंगर्स हैं, ध्यान से देखिए टोटल, यहां पे अगर हम मीजो हिपस की बात करेंगे वहां पे तीन फिंगर्स थी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो फिफ्थ ये क्या थी स्प्लिट, फिफ्थ क्या थी स्प्लिट, फर्स्ट तो पहले क्या हो गया था डिसअपीयर, लेकिन मैरी शिपस में क्या है सेकंड कंप्लीट फर्स्ट तो डिसअपीयर है, वो तो है ही नहीं, सेकंड कंप्लीट थर्ड कंप्लीट फोर्थ कंप्लीट, जो फिफ्थ थी ये तो पहले स्प्लिंट थी, अब ये क्या हो गई डिसअपीयर, यानी कि फर्स्ट एंड फिफ्थ डिसअपीयर, सिर्फ कितने फिंगर्स है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन जो थर्ड फिंगर है, ये जो थर्ड फिंगर है ये इंक्रीज हो गई है साइज में, लेंथ में ये इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इसने बॉडी का जो वेट है वो बियर करना शुरू कर दिया। सो वी कैन राइट ओनली थ्री फिंगर्स, कौन कौन सी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ क्या हो गई है डिसअपीयर, थर्ड क्या हो गई है इंक्रीज इन साइज, जो थर्ड है वो इंक्रीज हो गई है साइज में। अब जरा टोज की तरफ देखिए, टोज भी कितने हैं थ्री, कौन कौन सा, सेकंड टो थर्ड टो एंड फोर्थ टो, जो फिफ्थ है वो क्या हुआ है डिसअपीयर, थ्री टोज, कौन कौन सा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो फिफ्थ है वो क्या हुआ है डिसअपीयर, फिफ्थ हुआ है डिसअपीयर। अब ध्यान से देखिए, जो मैरी शिपस है इसमें कोई भी स्प्लिंट बोन नहीं है, पूछा जाता है नीट में, या मैं लिखूंगा नो स्प्लिंट बोन, यहां पे वन स्प्लिंट बोन, और यहां भी क्या है वन स्प्लिंट बोन, इज इट क्लियर। तो जो मैरी शिपस है इसमें फोर लिम्स में तीन फिंगर्स है कंप्लीट, सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट और जो फिफ्थ है, ये क्या हो चुकी है? डिसअपीयर. सो नो स्प्लिंट बोन. अब टोज में देखे, सेकंड टो कंप्लीट, थर्ड टो कंप्लीट, फोर्थ टो कंप्लीट, व्हाट? फिफ्थ, फिफ्थ डिसअपीयर, फर्स्ट पहले ही डिसअपीयर, नो स्प्लिंट बोन्स. इज दैट क्लियर? अब हम जाएंगे फोर्थ पे. आई विल राइट इट हियर. फोर्थ हम देखेंगे, इसका नाम है प्लियोशिपस. प्लियोशिपस, सॉरी, इट्स प्लियोहिपस, नॉट प्लियोशिपस. प्लियोहिपस, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टो हॉर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टो हॉर्स. किस एज, किस इपॉक में ये मिला है? प्लियोसीन में. प्लियोसीन में कब? 10 मिलियन ईयर्स एगो. 10 मिलियन ईयर्स एगो. क्या था इसका लेंथ? 120 सेंटीमीटर. 120 सेंटीमीटर. कैसा दिखता था? पोनी लाइक. कैसा दिखता था? पोनी लाइक. पोनी जो है, किसे आपने कभी नाम सुना होगा पोनी वाला? पोनी जो है ये घोड़ा ही है, लेकिन छोटे कद का घोड़ा. यहां जो है ये बिल्कुल हॉर्स ही है, लेकिन छोटे कद का हॉर्स, जिसकी लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर. अब ध्यान से देखिए, कितने फिंगर्स है? वन फिंगर. फोर लिम्ब्स में एक ही फिंगर है. फोर लिम्ब्स में एक ही फिंगर. ध्यान से देखिए, इससे पहले कितने फिंगर्स थे? यहां देखिए, मेरीशिपस में कितने फिंगर्स है? 3. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. व्हाट अबाउट फर्स्ट? डिसअपीयर. व्हाट अबाउट फिफ्थ? डिसअपीयर. अब जरा यहां देखिए, प्लियोहिपस में, प्लियोहिपस में सिर्फ एक ही फिंगर है, वो कौन सी? थर्ड फिंगर. व्हाट हैपन टू सेकंड? स्प्लिंट. व्हाट हैपन टू फोर्थ? स्प्लिंट. तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ये प्लियोहिपस है, ये है प्लियोहिपस. सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ है ना, ये 3 फिंगर्स. मेरीशिपस में 3 फिंगर्स थे, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट. थर्ड जो ये इंक्रीज थी लेंथ में, फर्स्ट और जो फिफ्थ ये डिसअपीयर थे. अब आएंगे किस पे? प्लियोहिपस में. प्लियोहिपस में सिर्फ एक ही फिंगर है, और वो कौन सी है? थर्ड फिंगर. व्हाट हैपन टू फर्स्ट? फर्स्ट स्प्लिंट हो गई. व्हाट हैपन टू फोर्थ? फोर्थ भी क्या हो गई? स्प्लिंट. सो फर्स्ट स्प्लिंट, फोर्थ स्प्लिंट. आई विल शो यू, प्लीज चेक इट आउट हियर. ये है, देखिए, ये तो पहले ऐसे है, ऐसे है. ये था मेरीशिपस. अब प्लियोहिपस में क्या है? सेकंड जो है रिड्यूस हो गई है, फोर्थ जो है वो क्या हो गई? रिड्यूस. तो बचा क्या है? थर्ड. खाली थर्ड फिंगर कंप्लीट है, इंक्रीज इन साइज में और इंक्रीज इन लेंथ में. इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे कि जो फर्स्ट फिंगर है वो है कंप्लीट. वो कौन सी है? थर्ड वन. थर्ड कंप्लीट है. थर्ड क्या है? कंप्लीट. स्प्लिंट कौन सी है? सेकंड एंड फोर्थ स्प्लिंट. फर्स्ट कंप्लीट है, वो कौन सी कंप्लीट है? थर्ड फिंगर. थर्ड फिंगर कंप्लीट है, लेकिन सेकंड और फोर्थ क्या हो चुके हैं? स्प्लिंट. जरा अब टोज की तरफ आ जाइए. सेम हैपन्स टू टोज, सेम हैपन्स टू टोज. जैसे ऐसे थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टो. जो सेकंड टो है स्प्लिंट, जो फोर्थ टो है स्प्लिंट, जो थर्ड टो है ये इंक्रीज इन साइज एंड लेंथ. सो सेम हैपन्स हियर ऑल्सो. सो वी कैन राइट, ओनली वन टो, कौन सा? थर्ड वन. सेकेंड और जो फोर्थ वो क्या है? स्प्लिंट. वो क्या है? स्प्लिंट. तो दैट मीन जो प्लियोहिपस है, प्लियोहिपस में 2 स्प्लिंट है. 2 स्प्लिंट प्लियोहिपस में क्या है? 2 स्प्लिंट बोन्स. इज दैट क्लियर? ये आ गए 4. नाउ अब हम जाएंगे, आप पहले 4 नोट कीजिए, उसके बाद हम जाएंगे फिफ्थ वन. तो आप कैमरा लोहा, मोबाइल लोहा में.
यस, टेक योर फोन इन हैंड, आप थोड़ा नीचे करो फोकस, नीचे, ठीक है बेटा, ये पांचों मुझे दिखाने, क्योंकि आई हैव टू कंपेयर देम, सो आई कांट ड्रॉप देम, इसलिए मैंने वीडियो शूट करने वाले को बोला कि टेक योर फोन इन योर हैंड, आपको लगता होगा इट्स वेरी इजी टू मेक वीडियो एट होम, इज अ डिफिकल्ट टास्क, यू हैव टू लुक फॉर द पर्सन हु कैन शूट यू द वीडियोस, यू हैव टू लुक फॉर द पर्सन हु कैन कम, और आपके पास बोर्ड साइज में छोटा है, देयर आर सो मेनी इश्यूज, यू आर मेकिंग वीडियो इन होम एटसेट्रा, आपको लगता होगा ये बहुत इजी है, बट इट्स नॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस लॉकडाउन, लेकिन आप स्टूडेंट्स पे सबसे ज्यादा ये फराइज आयद है कि यू हैव टू वर्क हार्ड एट यूर होम, डोंट वेस्ट यूर टाइम, ये वक्त भी चला जाएगा, हिस्ट्री में ये वक्त लिखा जाएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जिसने इस वक्त में मेहनत की, हार्डवर्क की, फायदा उठाया, वही आगे चलकर कामयाब होगा, क्योंकि इस कोविड 19 ने हमारी आंखें खोल दी, द पर्सन हु आर वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल स्टेबलाइज्ड, वो आगे चलकर स्टेबल मीन्स इम्यूनिटी के हिसाब से भी, हेल्थ के हिसाब से भी, लेकिन करियर के हिसाब से, सो डियर स्टूडेंट्स आप इस वक्त घरों में बैठे हैं, बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, व्हाई विल गो आउटसाइड, आप क्यों व्हाई विल रूम आउटसाइड हियर एंड देयर, क्यों घूमोगे बाहर, जिसमें खतरा यह है कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा है और आप किसी को इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं, सो बेटर है अपने घर में बैठिए, टीचर्स आपको मटेरियल भेज रहे, टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, आइदर ऑन द जूम और ऑन द यूट्यूब, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी, खाली आपको मेहनत करनी है, जहां पे आपको डाउट लगे, दैट टाइम यू कैन कंसल्ट यूर कंसर्न टीचर, यू कैन कॉल देम, सो ये मेरी हम्बल सबमिशन, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, मुझे पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी दिक्कतें आती है, क्या मुश्किल आती है, आई कैन नो इट, बट प्लीज एंड प्लीज यू, आप इस वीडियो से फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, यह मत देखिए कि लाइव क्लास होना चाहिए, देखिए 4G नहीं है, वी कांट डू एनीथिंग, जो जैसा चल रहा है आपको अपने आप इसके साथ अडॉप्ट करना है, क्योंकि एवोल्यूशन में एक चीज है, जिसने अडॉप्ट किया एनवायरमेंट के साथ, हैबिटेट के साथ, वो बेस्ट इवॉल्व हो गया, जो जिसने एरोगेंस दिखाई, जिसने कहा कि मैं इस एनवायरमेंट और इस हैबिटेट के लिए नहीं बना हूं, मैं इसके साथ अडॉप्ट नहीं हो, एनवायरमेंट ने उसको एलिमिनेट किया, सो यू पीपल आर इन द रेस, अगर आप चाहते हो कि आप रेस में रहे, यू हैव टू वर्क हार्ड, इससे पहले कि अगर आपने कोई भी एरोगेंस दिखाई, दिस रेस विल एलिमिनेट यू एंड यू विल बी नो वेयर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप कहीं भी नहीं हो, प्लीज एंड प्लीज, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी विल शिफ्ट टू फिफ्थ, इससे जो आज का मॉडर्न हॉर्स है, इसे कहते हैं इक्वस या इक्कस, इसमें जूलॉजिकल नेम प्रोनाउंस इसे बोलते हैं इक्कस, ई क्यू यू यू एस, इसे इक्कस भी पढ़ते हैं, इक्वस भी पढ़ते हैं, आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप इक्कस या इक्वस, हम इसे कहते हैं मॉडर्न हॉर्स, आज का घोड़ा जो आप देखते हो, मॉडर्न हॉर्स किस एज में है, प्लिस्टोसीन, PLEISTOCENE, प्लिस्टोसीन, तब 0.5 मिलियन ईयर्स एगो, तब इवॉल्व हुआ 0.5 मिलियन ईयर्स एगो, क्या है इसकी लेंथ, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कैसा दिखता है, आज का मॉडर्न हॉर्स कैसे दिखता होगा, मॉडर्न हॉर्स लाइक जैसा आज का घोड़ा दिखता है, इसमें कितने फिंगर्स है, ओनली वन, सिर्फ एक ही फिंगर, ठीक है, और टो भी कितना है, सिर्फ एक ही टो, ओनली वो कौन सी वाली है, थर्ड, ओनली थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ क्या हो गया, डिसअपीयर, सेकंड एंड फोर्थ अपीयर, यहां भी क्या हुआ, सेकंड and fourth disappear. I will show it here. ध्यान से देखिए, यह है प्लियोहिपस के ये तीन फिंगर्स, फोर लिम्स के तीन फिंगर्स, सेकंड स्प्लिट, फोर्थ स्प्लिट, थर्ड कंप्लीट, किसकी बात कर रहा हूं, प्लियोहिपस की बात कर रहा हूं, लेकिन जो आज मॉडर्न हॉर्स है इक्कस, इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यह है सेकंड, यह है फोर्थ, ये डिसअपीयर हुआ है, ये क्या हुआ है, डिसअपीयर, सो बचा क्या है, ओनली थर्ड फिंगर,
सो थर्ड फिंगर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन साइज, डायमीटर में भी इंक्रीज, लेंथ में भी इंक्रीज, सो दैट सारे बॉडी का वेट इसी पे आ गया. इज दैट क्लियर? दिस फिंगर इज बेस्ट सूटेड फॉर रनिंग. इज दैट क्लियर? अब आए टोज की ओर. ये देखिए, सेकंड टो डिसअपियर, फोर्थ टो डिसअपियर. तो सेकंड टो डिसअपियर, फोर्थ टो से बचा क्या? ओनली वन टो. वो कौन सा? थर्ड टो. और ये थर्ड टो लेंथ में इंक्रीज, विड्थ में इंक्रीज, और ये मोटा है, थिक है, सारे बॉडी का वेट इसी पे है. सो 21 में सिर्फ दो ही फिंगर, फोर लिम्ब्स में एक ही फिंगर है थर्ड फिंगर, और हाइंड लिम्ब्स में एक ही फिंगर है, दैट इज थर्ड टो. मैं रिवाइज करना चाहता हूं, इसी वजह से मैंने इसको इरेज नहीं किया, रब नहीं किया. हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ हॉर्स, जिसमें मैंने पहला वाला लिया इओ हिप्पस, जिसमें एक ही स्प्लिन बोन है, इसका कॉमन नेम है डॉन हॉर्स. ये इओसीन इपॉक में इवॉल्व हुआ 16 मिलियन ईयर्स एगो. इसकी जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर. दिखता कैसा था? कुत्ते की जैसा या फॉक्स लाइक. इसके फोर लिम्स में चार फिंगर्स है, फिंगर नंबर 2, 3, 4 एंड 5, चार फिंगर्स है, और जो फर्स्ट वन है वो स्प्लिंट है. अब आइए हाइंड लिम्स की ओर. हाइंड लिम्स में सिर्फ तीन टोज है. कौन कौन सा? फर्स्ट तो है ही नहीं, सेकंड टो, थर्ड टो एंड फोर्थ टो. ये तीन टोज है. किसमें? हाइंड लिम्ब्स में. जो फिफ्थ टो है वो क्या है? रिड्यूस, यानी कि स्प्लिंट. तो यहां पे सिर्फ एक ही, इओ हिप्पस में एक ही स्प्लिंट बोन. तो यहां पे ध्यान से सुनिए, क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा. तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इस वाले इओ हिप्पस को, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट हॉर्स इन द एवोल्यूशनरी लीनिएज, यानी कि पहला हॉर्स कौन है जो इवॉल्व हुआ है, दैट इज इओ हिप्पस. विच इज द फर्स्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड, दैट इज इओ हिप्पस. हाउ मेनी स्प्लिंट बोन्स आर इन इओ हिप्पस? वन स्प्लिंट बोन. इसका कॉमन नेम क्या है? डॉन हॉर्स. किस इपॉक में इसको इवॉल्व पैदा हुआ? इओसीन में. कितने साल पहले? 60 मिलियन ईयर्स एगो. क्या थी इसकी लेंथ? 40 सेंटीमीटर. कैसा दिखता था? फॉक्स लाइक. अब आइए दूसरा, मीजो हिप्पस. इसे कहते हैं इंटरमीडिएट हॉर्स. किस एज में पैदा हुआ, या किस, हम किसे, किस इपॉक में? दैट्स ओलिगोसीन. तो क्या 40 मिलियन 40 मिलियन ईयर्स एगो. क्या थी इसकी लेंथ? 60 सेंटीमीटर. दिखता कैसे था? आज के शीप के जैसा. इसके फोर इसमें कितने फिंगर्स थे? 3 फिंगर्स थे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. व्हाट हैपन टू फर्स्ट? फर्स्ट डिसअपीयर हुआ. व्हाट हैपन टू फिफ्थ? फिफ्थ स्प्लिंट हो गया. तो इसमें एक ही स्प्लिंट बोन है, दैट इज फिफ्थ वन. यहां देखिए टोज में कितने थे? 3 टोज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. व्हाट हैपन टू फिफ्थ? एक से यहां मेरे शायद गलत लिखा है, मैंने लिखा है वहां पे फिफ्थ डिसअपीयर. यहां पे जो फिफ्थ है वो है स्प्लिंट, सॉरी स्प्लिंट. तो ध्यान से देखिए, सेकंड कंप्लीट, सेकंड टो कंप्लीट, थर्ड टो कंप्लीट, फोर्थ टो कंप्लीट, फर्स्ट डिसअपीयर, जो फिफ्थ वन है ये स्प्लिंट. तो कितने स्प्लिंट बोन्स? एक ही स्प्लिंट बोन. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मीजो हिप्पस पे कितने स्प्लिंट बोन्स, तो वहां पे सिर्फ एक ही स्प्लिंट बोन. उसके बाद मेरिशिप्पस. किस, क्या नाम है इसका? रोमिनेंट हॉर्स. किस एज में? मियोसीन एज में इसको इवॉल्व, मियोसीन इपॉक में. तब 20 मिलियन ईयर्स एगो. क्या थी इसकी लेंथ? 100 सेंटीमीटर. दिखता कैसा है? आज के गड्ढे की जैसा, डंकी. कितने टोज है, कितने फिंगर्स है? 3 फिंगर्स, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर. सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर. फिफ्थ को क्या हुआ है? डिसअपीयर. पहला डिसअपीयर. तो दैट मींस फर्स्ट और फिफ्थ डिसअपीयर है, सिर्फ सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ. और जो थर्ड है ये साइज में बड़ी है, लेंथ में बड़ी है. टोज की ओर जाइए, 3 टोज है, 3 टोज है, सेकंड टो, थर्ड टो एंड फोर्थ टो. फर्स्ट और फिफ्थ डिसअपीयर, थर्ड टो इंक्रीज इन लेंथ. तो मेरिशिप्पस में नो स्प्लिंट बोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इन वन नीट एग्जामिनेशन. इन विच स्टेज ऑफ एन हॉर्स, या किस हॉर्स में कोई भी स्प्लिंट बोन नहीं है, वो है मेरिशिप्पस. देन वी हैव गॉट प्लियोहिप्पस. प्लियोहिप्पस फर्स्ट टो हॉर्स. ये पूछा जाता है, कभी आता है क्वेश्चन ऐसे, विच इज द फर्स्ट टो हॉर्स? दैट्स प्लियोहिप्पस. कब? प्लियोसीन में इवॉल्व हुआ 10 मिलियन ईयर्स एगो. 120 सेंटीमीटर का लेंथ, पोनी के तरह दिखता था. पोनी हम बोलते हैं उस घोड़े को जो बिल्कुल छोटे कद का है. इसमें कितने बोन्स है? सिर्फ वन. ध्यान से देखिए, सिर्फ वन. ये जो थर्ड फिंगर खाली, ये कंप्लीट है. इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ. सेकंड को क्या हुआ? स्प्लिंट. थर्ड को, फोर्थ को क्या हुआ? स्प्लिंट. व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड फर्स्ट फिफ्थ? फर्स्ट और फिफ्थ तो पहले ही डिसअपीयर है. सेकंड स्प्लिंट हो गई, थर्ड फोर्थ स्प्लिंट हो गई. अब ध्यान से देखिए, सेकंड एंड फोर्थ रिड्यूस स्प्लिंट, थर्ड इज कंप्लीट. तो इसमें एक ही फिंगर है,
कौन सी थर्ड वाली, सेकंड और फोर्थ क्या स्प्लिट। अब जरा ये हाइंड लिम्स पे, अब जरा ये हाइंड लिम्स पे, हाइंड लिम्स में क्या हुआ है, उसमें भी एक ही टो है, कौन सी वाली, थर्ड टो। सेकंड को क्या हुआ, फोर्थ को क्या हुआ, स्प्लिंट। तो यहां पिलियोहिपस में कितने स्प्लिंट बोन्स, दो स्प्लिंट बोन्स। तो ध्यान से सुनिए, यह भी पूछा जा सकता है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ हॉर्स पजस टू स्प्लिंट बोन्स, दैट्स पिलियोहिपस। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मॉडर्न हॉर्स, जिसे हम कहते हैं इक्कस, इसका कॉमन नेम है मॉडर्न हॉर्स। इसे कब इवॉल्व हुआ, प्लिस्टोसीन में, कब 0.5 मिलियन ईयर्स एगो। और इसकी लेंथ कितनी है, 150 सेंटीमीटर। दिखता कैसा है, अरे मॉडर्न हॉर्स है तो मॉडर्न हॉर्स की तरह दिखेगा। इसमें कितने फोर लिम्स है, सिर्फ एक, कौन सी वाली, थर्ड। व्हाट हैपेंड टू सेकंड, डिसअपीयर। व्हाट हैपेंड टू फोर्थ, डिसअपीयर। सो ऑल द फिंगर्स डिसअपीयर एक्सेप्ट थर्ड। थर्ड इज एनलार्ज इन साइज, लेंथ एंड विड्थ, जिसकी वजह से इसने पूरे बॉडी का वेट बर्दाश्त किया। व्हाट हैपेंड टू हाइंड लिम्स, ऑनली थर्ड टो। व्हाट हैपेंड टू रेस्ट ऑफ द टोस, डिसअपीयर, सारे टोस डिसअपीयर एक्सेप्ट द थर्ड टो। तो दैट मींस एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द हॉर्स पजेस ओनली वन टो, दैट इज इक्कस। ये थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हॉर्स के, ये था एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। अब बेटा ये नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज थ्योरीज इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, ये तो अलग क्वेश्चन था एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एवोल्यूशन का, वो है थ्योरीज इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। व्हाट एक्चुअली थ्योरीज आर, दीज आर एक्चुअली, ये वो थ्योरीज है जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दी है टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। क्या एवोल्यूशन हुआ है तो हुआ कैसा है। अभी तक हमने इविडेंस स्टडी किए, जैसे देखिए पहले हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ किस, सॉरी पहले हमने देखा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, स्टार एक्सेट्रा। उसके बाद पहले देखा कि हाउ लाइफ हैज बीन ओरिजिनेटेड। फिर हमने रीड किया इविडेंसेस, जिसने हमें ये दिखाया कि यस एवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद हमने उसमें एक फाइलोजेनी पढ़ी, दैट फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, किस तरह हॉर्स इवॉल्व हो गया। तो अब हमें वो थ्योरीज रीड करने हैं, वो थ्योरीज स्टडी करने हैं जो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं, ये मैकेनिज्म देते हैं कि यस एवोल्यूशन हुआ है और किस तरीके से हुआ। सॉरी, यानी कि थ्योरीज एक्चुअली हमें बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो इस थ्योरीज में कौन कौन सी है, एक है लैमार्किज्म। लैमार्क की थ्योरी को हमें रीड करना है, लैमार्क ने एक्सप्लेन किया कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। लैमार्क की थ्योरी को क्रिटिसिज्म हुआ तो डार्विन आ गया। डार्विन की थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे तो ह्यूगो ड्यूराइस की म्यूटेशन थ्योरी आ गई। तीनों थ्योरीज में कोई ना कोई ड्रॉबैक था तो फोर्थ थ्योरी से हम बोलते हैं नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो इस वक्त की मॉडर्न वाइड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो आपके नीड के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से हम चार थ्योरीज पढ़ेंगे, लैमार्क थ्योरी, डार्विनिज थ्योरी, ह्यूगो ड्यूराइस म्यूटेशन थ्योरी और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लैमार्किज्म और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डार्विन और म्यूटेशन थ्योरी और उसके बाद उस क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो लैमार्किज्म किसे हम कहते हैं लैमार्किज्म। देखिए एक साइंटिस्ट था, एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट एंटोनी, एंटोनी डी लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट एंटोनी डी लैमार्क। एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था, एक नेचुरल साइंटिस्ट था, एक नेचुरल साइंस पढ़ने वाला था, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का एक, हम कह सकते हैं, एक मेंबर भी था। ये एक्चुअली रहता था फ्रेंच का, ये फ्रेंच था, फ्रेंच ओरिजिन। तो इसने पहली बार एक्सप्लेन किया कि एवोल्यूशन होता कैसे। तो इसने अपनी जो फाइंडिंग्स थी, जो इसने अपनी थ्योरीज थी, जो उसने स्टेटमेंट थी, जो उसने पोस्टुलेट्स दिए इस थ्योरी के, एक अपनी एक बुक में लिखा जिसका नाम था फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजीज, ऑफ जूलॉजीज। कभी कभी पूछा जा सकता है कि लैमार्क की बुक का नाम क्या है, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजीज, जो उसने 1809 में पब्लिश। इसी बुक में इसने मेंशन किया कि इसने क्या रीड किया, इसने क्या स्टडी किया,
इसने क्या महसूस किया, इसने कौन सी डिस्क्रिप्शन दी थी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो जो इसके पास्टुलेट्स यानी कि लैमार्किज्म के जो पास्टुलेट्स, पहले ध्यान से सुनिए, यहां ऊपर लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और यहां मैंने लिखा है लैमार्किज्म। द पास्टुलेट्स पुट फॉरवर्ड बाय लैमार्क इज नोन एज लैमार्किज्म। जो लैमार्क ने कहा उसी को कहते हैं लैमार्किज्म। उसके बाद और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में जो पास ऑन होगा, इनहेरिट जो पेरेंट से पास ऑन होगा टू दियर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से क्या चीज पास ऑन होगा ऑफस्प्रिंग ऑफ एक्वायर्ड, वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट ने हासिल किए, यानी कि पेरेंट के अंदर वो कैरेक्टर्स नहीं थे, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू एवोल्यूशन, ड्यू टू चेंज पेरेंट के अंदर वो कैरेक्टर्स आ गए और वो कैरेक्टर्स पेरेंट ने सक्सेसफुली पास ऑन किया किन में, अपने ऑफस्प्रिंग्स में, उसी को नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कभी पूछा जा सकता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, तो वहां पर ऑप्शन आता है लैमार्क, ह्यूगो डी ओराइस, वीज़मैन, डार्विन आपको अप्रोप्रिएट आंसर देगा। तो लैमार्क की थ्योरी के जो पास्टुलेट्स है, विल सी पास्टुलेट्स, पास्टुलेट्स क्या क्या पास्टुलेट्स है, ध्यान से देखिए। पास्टुलेट नंबर वन, वाइटल फोर्स, ये कौन कहता है, लैमार्क की जो थ्योरी है उसमें जो उसने पहला पॉइंट लिखा वो लिखा वाइटल फोर्स। लैमार्क कहता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। लैमार्क कहता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर एक इंटरनल एनर्जी है, एक इंटरनल फोर्स है, एक वाइटल फोर्स है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन इंक्रीज होता है साइज, और लैमार्क ने इसको नाम दिया वाइटल फोर्स। लैमार्क कहता है कि किस तरीके से एक एनिमल इंक्रीज होता है साइज में, वो कहता है एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म खुद इंक्रीज नहीं होता है बल्कि उसके ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते हैं। कैसे, उन ऑर्गन्स के अंदर एक ताकत है, एक फोर्स है, एक वाइटल फोर्स है, एक एनर्जी है, जिसे उसको नाम दिया इंटरनल एनर्जी और वाइटल फोर्स। कहता है लैमार्क कि जो वो वाइटल फोर्स है, कि वो जो इंटरनल एनर्जी है, उसी ताकत से, उसी फोर्स से ये जो ऑर्गन है इंक्रीज होता है साइज में, जिससे ओवरऑल एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है साइज में। तो लैमार्क कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब इंक्रीज होता है साइज में, वो एक्चुअली उसके ऑर्गन्स की वजह से होता है, क्योंकि उन ऑर्गन्स के अंदर एक वाइटल फोर्स है, एक इंटरनल एनर्जी है, जो खुद ब खुद इंक्रीज होती है साइज में। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन एनवायरमेंट एंड डिजायर ऑफ न्यू ऑर्गन्स। ध्यान से देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लैमार्क ने कहा। लैमार्क कहता है चेंज इन एनवायरमेंट, वो कहता है जब एनवायरमेंट में, माहौल में तब्दीली आएगी, हैबिटेट चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, तो एक ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट। सपोज राइट नाउ इट्स हॉट टेम्परेचर, इट्स जुलाई, इट्स अगस्त, तो हम लोग जो वो चीजें पहनते हैं वो कपड़े पर जो हल्के फुल्के होते हैं, कॉटन क्लोथ वेयर करते हैं, फैन होता है, एटसेट्रा। लेकिन अगर इसी वक्त हम देखेंगे टेम्परेचर चेंज होगा, सपोज अगर इमीडिएट सडनली बाहर बारिश होगी या स्नोफॉल होगा और टेम्परेचर एब्रप्टली डाउन होगा, हम क्या करेंगे, जो हमने हम विंटर क्लोथ कहीं पे बंद किए हैं, हम उन विंटर क्लोथ को निकालेंगे और पहनेंगे। वही कहा लैमार्क ने। लैमार्क कहता है कि जब एक एनवायरमेंट या हैबिटेट चेंज होगा, उस एनवायरमेंट के चेंज होने से, उस हैबिटेट के चेंज होने से जो एनिमल होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो खुद को भी चेंज करता है, वो खुद को भी मॉडिफाई करता है, सो दैट वो उस एनवायरमेंट के साथ, उस हैबिटेट के साथ अडॉप्ट हो सके। और साथ ही में लैमार्क कहता है देयर इज अ डिजायर फॉर न्यू ऑर्गन्स, यानी जब एनवायरमेंट चेंज हुआ, जब एनवायरमेंट मॉडिफाई हुआ, जब एनवायरमेंट तब्दील हुआ, जब हैबिटेट चेंज हुआ, तो जो एक ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर डिजायर पैदा होती है नए ऑर्गन्स की, और वो नए ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं।
वो नए ऑरियंस इसके अंदर आते हैं। सपोज लेमार कहता है कि एक स्नेक होता है जो एक्चुअली इवॉल्व हुआ है किन से, लिजर्ड से। लिजर्ड के पास फोर लिम्ब्स थे, तो जब लिजर्ड से स्नेक्स बनने लगे तो स्नेक्स के पास भी फोर लिम्ब्स थे, लेकिन जब स्नेक भागने लगा किन से, प्रीडेटर से, तो वो कहां जाने लगा, होल्स के अंदर। जब वो होल्स के अंदर जाने लगा, जो उसके फोर लिम्ब्स थे वो इसकी रुकावट बनने लगे, तो इसने क्या किया, इसने अपने फोर लिम्ब्स को डिजनरेट किया, डिस्ट्रॉय किया। गेटिंग माय पॉइंट? ये कौन कहता है? ये कहता है लेमार्क। लेमार्क कहता है देयर इज ऑलवेज अ डिजायर फॉर न्यू ऑर्गन्स। लेमार्क कहता है जिराफ, जिराफ जो था वो ग्रास खाता था, साइज में बिल्कुल छोटा था। वो कहता है कि जब उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ, जब उसके लोअर लेवल पे ग्रास बिल्कुल खत्म हो गई, प्लांट्स के जो लोअर लेवल पे लीव्स थे वो खत्म हो गए, तो अब सिर्फ प्लांट के टॉप रीजन के लीव्स रह गए, तो जिराफ को भूख लगने लगी। तो इस भूख की वजह से इसने क्या किया, ये उस पेड़ के टॉप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इसके फोर लिम्ब्स, ध्यान से, उसके फोर लिम्ब्स इंक्रीज होने लेंथ में, और जब इसे गर्दन को ऐसे घुमाया तो इस गर्दन के जो सर्विकल वर्टेब्रेटा ये भी स्ट्रेच हो गया, ये भी इसके वर्टेब्रा भी क्या हो गए, इंक्रीज होने लगे साइज में, जैसे तो ये वहां तक पहुंचने लगा। तो दैट मीन जो जिराफ में एवोल्यूशन है नेक का या फोर लिम्ब्स का, इट्स डिजायर ऑफ न्यू ऑर्गन। नेक्स्ट, यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज। लेमार कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब किसी ऑर्गन को कंटिन्यूअसली यूज करेगा तो वो ऑर्गन ज्यादा बेस्ट डेवलप होगा, ज्यादा बेस्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज करेगा तो वो ऑर्गन बेस्ट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो फंक्शनल बन जाता है, वो बेस्ट फंक्शनल बन जाता है। अब अगर सडनली कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन से फंक्शन लेना भूल जाता है, सपोज अगर हमारे पास कोई ऑर्गन, लेमार कहता, मैं नहीं कहता, लेमार कहता है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई, ये तो कोई बेवकूफी बात करेगा, लेकिन उस वक्त 1800 सेंचुरी लेमार को यही ठीक लगा तो इसने यही कहा। आज के दौर में जब हम देखते तो हमें हंसी आती है ऐसे पॉइंट पे, लेकिन लेमार को उस वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। तो लेमार ने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि कोई किसी ऑर्गन को कंटिन्यूअसली यूज करेगा तो वो ऑर्गन बेस्ट सूटेड हो जाए, बेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर उसने किसी ऑर्गन से काम लेना बंद किया, यानी कि अगर कोई ऑर्गन इसके लिए काम के लायक नहीं है, वो इसे काम लेता नहीं है, तो आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो ऑर्गन है वो साइज में डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, और वो नॉन फंक्शनल बन जाता है। और वो क्या बन जाता है, नॉन फंक्शनल। इसी इसने कहा यूज एंड डिसयूज। सपोज जो ऑर्गन एक लिविंग ऑर्गन कंटिन्यूअसली यूज करेगा वो फंक्शनल बन जाता है, और जिस ऑर्गन से वो काम नहीं लेता है वो बनता है नॉन फंक्शनल। उसने इसको एक्सप्लेन किया ऐसे, वो कहता है कि अगर कोई बंदा राइट हैंड से लिखता है, वो कंटिन्यूअसली राइट हैंड से लिखता है तो वो एक्टिव हो जाता है, उसका राइट हैंड एक्टिव हो जाता है। अगर उसे सडनली कहेंगे कि आप लेफ्ट हैंड से लिखो, उसको लिखना नहीं आएगा, जितनी तेजी या फुर्ती के साथ अच्छे से वो राइट हैंड से लिखेगा वो लेफ्ट हैंड से नहीं लिखेगा, मीन जो उसका लेफ्ट हैंड है वो नॉन फंक्शनल बन जाएगा। और उसके बाद जब ऐसे चेंजेस आ जाएंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये कैरेक्टर्स, ये न्यू कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। जो ये नए कैरेक्टर्स इस ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, वो इनहेरिट हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे इनहेरिट, पास ऑन टू दियर नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि ड्यू टू वाइटल फोर्स एक ऑर्गेनिज्म के ऑरियंस का साइज इंक्रीज होगा, और ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट उसके अंदर नए ऑर्गन्स पैदा होंगे, और वो ऑर्गन्स जिनसे वो कंटिन्यूअसली काम लेता वो बेस्ट फंक्शनल बन जाएंगे, और जिन ऑर्गन से वो काम नहीं लेगा वो डिसयूज हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। और जब ये सारे चेंजेस आ जाएंगे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो इन नए चेंज को, नए ऑर्गन को, नए कैरेक्टर्स को पास ऑन करेगा टू दियर नेक्स्ट जनरेशन। तो दिस इज नोन एज लेमार्किज्म। और ये जो चार पोस्टुलेट्स लेमार्क ने कहा, इसी को नाम दिया गया लेमार्किज्म और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कहां तक सही है लेमार्क, इसकी इविडेंस के जो थ्योरी है, इसकी जो हम कह सकते हैं जो इसने ये मैकेनिज्म बोला, क्या इसका कोई इविडेंस है, तो वी विल फर्स्ट स्टडी द इविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म।
ये तो वैसे ही बात हो गई। डंकी कहता है कि मुझे विंग्स आने चाहिए, आई वांट टू फ्लाई। तो लेमार के हिसाब से उसके अंदर विंग्स आने चाहिए, ठीक है ना। ब्लू वेल कहेगा या कहेगी कि मैं कंटिन्यूअसली स्विम करती हूं पानी में, अब मैं थक चुकी हूं पानी में, जमीन पे आना चाहती हूं। ये तो वैसी बात हुई ना बेटा। या सडनली इस वक्त जो ह्यूमंस है दे आर लॉक्ड डाउन इनसाइड देयर रूम्स, तो ये जो है अब उड़ना चाहते, बाहर आना चाहते, नहीं आ सकते। ऑन द रोड देयर आर डिफेंस पर्सनल जो आपको हम कह सकते हैं अलोन ही करेंगे, लॉकडाउन है। तो ऐसी बात होगी, ह्यूमन चाहेंगे या लोग चाहेंगे, स्टूडेंट चाहेंगे कि हमें विंग्स आने चाहिए, वी वांट टू फ्लाई, वी वांट टू गो दिल्ली, वी वांट टू गो आउटसाइड कश्मीर, सो दैट वी कैन एंजॉय द 4G स्पीड। ये तो ऐसी बात होगी ना, जैसे लेमार कहता है डिजायर ऑफ न्यू ऑर्गन्स। बट क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप कितना भी चाहोगे कि हम वी वांट टू फ्लाई, वी वांट टू गो आउटसाइड, यू कांट। तो चलिए हम देखेंगे पहले evidences in favor of Lamarck की थ्योरी के लिए। आखिर कौन से, आखिर Lamarck ने किन चीजों पे ये थ्योरी दी? डेफिनेटली Lamarck ने तो ऐसी बात कोई हवा में तो नहीं की होगी ना। ही वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट, नेचुरल फिलोसफर था, कोई ऐसा बंदा तो नहीं था कि आया तो कैसे ही मारा। डेफिनेटली इसने स्टडी किया होगा, डेफिनेटली इसने रिसर्च की होगी, कहीं ना कहीं कोई तो पॉइंट देखा होगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल इसने देखी होगी, कोई ना कोई ऑर्गन से रीड किया होगा, जिसके वजह से ये मजबूर हो गया ऐसी थ्योरी देने के लिए। जरा ध्यान से देखिए कौन सी है। सबसे पहला एवोल्यूशन, या हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द साइज ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड नेक इन जिराफ। उसने जिराफ को थॉरली स्टडी किया, शायद जहां पर Lamarck रहता था वहां उसके सामने जिराफ बहुत थे, तभी उसने देखा होगा। तो ध्यान से इसने क्या कहा, इसने कहा कि सबसे पहले जो ग्रास, जो लैंड थी, बहुत जगह जहां पे जिराफ रहती, बिल्कुल छोटे कद का था, इसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स बिल्कुल सेम थे साइज में, नेक जो इसकी थी बिल्कुल छोटी थी, और जो उसका लैंड अवेलेबल था वहां पे ग्रास भी बहुत ज्यादा था, तो ये इसने ग्रास खाना शुरू किया। उसके बाद जो ये ग्रास है, सडनली ये ग्रास खत्म हो गया, जिराफ के पास जो अवेलेबल ग्रास था वो खत्म हो गया। तो अब जिराफ ने क्या, इसने अपनी गर्दन को उठाया और जो उसके इर्द गिर्द प्लांट्स थे, पेड़ थे, उनके जो पत्ते थे उनको खाने लगा। जब उन पत्ते यानी कि जब उन प्लांट्स के लेवल के लीव्स खत्म हो गए, तो इसने अपने पैरों को ऐसे बढ़ाना शुरू कर दिया। या ऐसी बात हो गई, अगर हम क्लास में सपोज कोई स्टूडेंट बैठा है, उसको बोर्ड दिखाई नहीं देता, तो डेफिनेटली वो क्या कोशिश करता है, वो ऐसे अपने पैरों पर, अपने टोज पर खड़ा होने की कोशिश करता है, सो दैट ही कैन और शी कैन वॉच इट प्रॉपरली। सेम हैपेंड फॉर द जिराफ। जिराफ का जब लेवल है, जब उस जिराफ को अवेलेबल ग्रास लैंड पे कुछ नहीं बचा और जो प्लांट्स पे लेवल पे जो लीव्स थे वो भी खत्म हो गई, तो जिराफ को क्या हुआ, जिराफ ने अपने पैर जो फोर लिम्स उनको बढ़ाना शुरू कर दिया और इसे अपने नेक को स्ट्रेच करने की कोशिश की, सो दैट इट कैन रीच टू द टॉप प्लांट, यानी कि इस ट्री का, इस प्लांट का जो टॉप लेवल था जहां पे लीव्स मौजूद थे, या वहां तक इसको अपने पहुंचा नहीं। और इस चेंज में जो इसके फोर लिम्स थे और इसकी जो नेक थी, ये इंक्रीज हो गई साइज में और इंक्रीज हो गई लेंथ में। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम स्नेक्स की बात करेंगे। मैंने आपको अभी बोला जो स्नेक्स है ये इवॉल्व हो गए किन से, लिजर्ड से। जो लिजर्ड्स थे, लिजर्ड्स में जो थे फोर लिम्स, लिजर्ड्स में क्या थे फोर लिम्स, तो स्नेक्स जब क्रॉलिंग कर रहा था, तो क्रीपिंग कर रहा था, जब उसको कोई प्रीडेटर अटैक करने लगा, तो ये स्नेक भाग रहा था, ये होल्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होल्स के अंदर इसके जो फोर लिम्स थे ये उसको हम कह सकते हैं इसके लिए ओबस्टेकल बन गया। तो इसने क्या किया, इसने या उसकी जो हम कह सकते हैं जो इसके हम पेल्विक गर्डल है वो इसके लिए हम कह सकते हैं वो इसके लिए ओबस्टेकल बनना।
तो स्नेक ने क्या किया, इसने इन ऑर्गन्स को, फोर लिम्ब्स को, या हम कह सकते हैं पेल्विक गर्ड्स को या फीमर बोन को डिजनरेट किया। क्या किया? डिजनरेट, सो दैट वो इजिली पास ऑन हो जाएगा कहां पर, इनसाइड द होल्स। ये सेकंड एग्जांपल थी। थर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड्स। हम ये जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं दे फ्लाई, लेकिन दे आर सम बर्ड्स लाइक किवी और ऑस्ट्रिच जिनमें विंग्स जो है वो नॉन फंक्शनल है, दे डोंट फ्लाई। तो लेमार कहता है कि जो किवी था, किवी या जो ऑस्ट्रिच है, ये उस जगह रहे थे जहां पे बहुत सारा फूड अवेलेबल था, यानी कि उनके पास इतना ज्यादा खाना अवेलेबल था कि जो ये ऑस्ट्रिच है, किवी है, इनको फ्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जिसकी वजह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लाइंग करना वो भूल गए, यानी कि जब किवी या जब ऑस्ट्रिच के पास इतना ज्यादा खाना था कि उनको उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसकी वजह से उनके जो विंग्स है वो फ्लाई करना भूल गए, या किवी जो है वो उड़ना भूल गया, और आहिस्ता इसके जो आने वाली जनरेशन है उनमें जो वो विंग्स है वो क्या हो गए, रिड्यूस, डीजनरेट, नॉन फंक्शनल, तो जिसकी वजह से वो फ्लाइटलेस बन गई। एक और एग्जाम्पल, एक्वाटिक बर्ड्स। लेमार कहता है कि दे आर सम बर्ड जो कहां रहने लगे, पानी में रहने लगे, क्योंकि जब बर्ड्स पानी में रहने लगे उन्हें उड़ने से ज्यादा वहां पे क्या सीखा था, स्विमिंग। तो यहां पे जो उनके फोर लिम्स थे, देखिए फोर लिम्स तो मॉडिफाई किसमें हुए, विंग्स में, लेकिन उनके हाइंड लिम्स थे, उनके हाइंड लिम्स के जो क्लास थे वो कन्वर्ट हो गए पैड्स, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, पैड्स में, यानी कि जो हाइंड लिम्स थे उनके जो डिजिट्स थे या क्लास या डिजिट्स हम कह सकते हैं वो मॉडिफाई हुए किसमें, पैड्स में, PADS पैड्स, जो सूटेबल थे किसके लिए, स्विमिंग के लिए। जैसे डक को देखिए, डक पानी में है, वो फ्लाई से ज्यादा क्या पसंद करती है, स्विमिंग करना, तो जिसकी वजह से उसके जो हाइंड लिम्स है वो उसी के लिए मॉडिफाई हो गए हैं। इज दैट क्लियर, एक्वाटिक बर्ड्स। वन मोर इज देयर, आई विल शो यू, एक और एग्जाम्पल, केव डिविलर्स। वो कार्निवोरस मैमल्स जो कहां रहते हैं, केव्स के अंदर, क्योंकि वो डार्क में रहने लगे, वो कभी भी केव से बाहर नहीं आने लगे, उन्हें ज्यादा टाइम कहां गुजारा, केव्स के अंदर, केव्स जो है वो डार्कनेस थी, उसकी वजह से जब उनको आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में, डार्कनेस में आदत होने लगी तो उनकी जो आई साइट है वो रिड्यूस हो गई और वो ब्लाइंड हो गई, यानी कि वो कार्निवोरस मैमल्स जिनने ज्यादा टाइम कहां गुजारा, केव्स में, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमेशा के लिए दिन रात वहीं रहते थे, तो उनको जो आई, जो आंख, उनको जो जिसके लिए यूज थी वो किसके, देखने के लिए यूज थी, तो आंख से हम तब देख सकते हैं जब लाइट होगी, लेकिन जब बाहर से बिल्कुल अंधेरा था, जब केव के अंदर बिल्कुल डार्कनेस थी तो वहां कुछ नहीं दिखता था, आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें रिड्यूस हो गई साइज में और वो बन गए नॉन फंक्शनल। ये कौन कहता है, ये लेमार कहता है। लेमार ने एक और एग्जाम्पल कोट की, डियर की। हम डियर की बात करेंगे, जो डियर है, कहते हैं डियर जो है ये रहता था जंगल में, तो इस पे हमेशा खतरा मंडराता था, किनका, प्रीडेटर्स का, कार्निवोरस एनिमल्स का, लाइक लायन, टाइगर एक्सेट्रा। तो इसने क्या किया, ये इसने वहां सीखा भागना, क्योंकि इसको हमेशा पता था कि कभी भी कोई कार्निवोरस एनिमल कैन अटैक मी, तो ये हमेशा इस ताक में था, द मोमेंट ही ये देखेगा किसी दुश्मन को, प्रीडेटर को, ये स्टार्ट करेगा दौड़ना। तो जिसके लिए इसने अपने लेग्स को क्या किया, बिल्कुल रिड्यूस साइज में, सो दैट ये सूटेबल हो जाएगा किसके लिए, दौड़ने के लिए। एक और है, टाइगर जो है या चीता जो है या हम कैसे लायन जो है, इनके जो क्लास है वो रिट्रैक्टेबल है, वो पीछे की ओर है, तो इनकी क्लास पहले आगे की ओर थी, तो चूंकि ये कार्निवोरस मैमल है इनको हमेशा फूड के लालच में, जो हम कह सकते हैं प्रे के पीछे दौड़ना पड़ता था,
सपोज अगर हम लायन की बात करेंगे या अगर हम टाइगर की बात करें, अगर हम चीता की बात करेंगे, वो हमेशा जंगल में उन एनिमल्स के पीछे दौड़ते थे जो वीक थे, कमजोर थे, सो दैट वो इनसे क्या हासिल करते, मीट, वो इनसे हासिल क्या करते, ब्लड। तो इसके लिए उनको दौड़ना पड़ता था। जब लायन दौड़ता था, जब टाइगर दौड़ता था, जब चीता दौड़ता था, जो इनके फोर लिम्ब्स के जो क्लास थे वो इनके आड़े आते थे, ऑब्स्टेकल बनते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीता दौड़ने लगा, ये जंप्स करने लगा, तो इसने अपने जो इसके क्लास है ये पीछे की ओर हो गए, रिट्रैक्ट हो गए पीछे की ओर, जिसकी वजह से इसके क्लास आज हम देखते हैं वो है रिट्रैक्टेबल, यानी कि जो क्लास है वो मॉडिफाई है, बेंड हो चुका है टुवर्ड्स द बैक साइड। ये उसके लिए रनिंग के लिए यूज होते थे। सो दीज वर सम इविडेंसेस जो लेमार्क ने रीड किए थे, जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी थ्योरी दी थी लेमार्किज्म। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब भी कोई बात हम कहेंगे वो शुड बी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म। मैं यहां पे YouTube पे लेक्चर दे रहा हूं, मेरा मकसद, मैंने पहले स्टार्ट किया, मुझे लगा कि Zoom से बेटर है YouTube पे। इज ऑलवेज क्रिटिस, लोग क्रिटिक करेंगे, लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं आता है, कुछ कहेंगे दिखावा करता, कुछ कहते हैं इसमें ये इशू है, कुछ कहेंगे वीडियो बड़ा है, कुछ कहेंगे हमें नेटवर्क अच्छे से नहीं आता है, कुछ और इश्यूज कहेंगे। सो जो लेजी पीपल है या हम कह सकते हैं जो कनिंग पीपल है, उनके पास हमेशा कोई ना कोई रीजन होगा क्रिटिक करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। सो आपको हमेशा रेडी रहना होता है कि जब भी इस क्रिटिसिज्म के लिए, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको मॉडिफाई करेगा, आपको इवॉल्व करेगा इनटू अ बेस्ट पर्सन में। तो मैं भी रेडी हूं क्रिटिसिज्म के लिए, तो लेमार्क भी रेडी था, उसको पहले ही पता था कि जो कुछ वो कहेगा इसमें क्रिटिसिज्म होगी। और सबसे बड़ा क्रिटिक जो लेमार्किज्म का था वो था विज्मान। तो ध्यान से देखिए, अब हम देखेंगे क्या क्रिटिक्स थे। डियर स्टूडेंट्स, मेकिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग देम ऑन YouTube, इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही मकसद था कि इस लॉकडाउन में जो बच्चे जहां पे भी है, जिन रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, वो तो पहले घरों के अंदर ही महदूद रहेंगे क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकते डर की वजह से, डिफेंस की वजह से, तो उनको घरों के अंदर रहना है। अगर किसी एक बच्चे तक भी मेरा वीडियो पहुंचता है और उसको फायदा मिल रहा है, वो पढ़ पा रहा है, तो मैं खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूं। तो इसलिए प्लीज एंड प्लीज आप भी फायदा उठाइए। क्रिटिक्स तो होते रहेंगे, क्रिटिसिज्म तो होता ही रहेगा, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। आपको जहां पे लगे यू कैन क्रिटिसाइज, जिसको जहां पे लगे वो क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा, उसका वो काम ही है। लेकिन दे आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। आज के दौर में तो पॉजिटिव, इस वक्त लॉकडाउन में हर कोई डरता है पॉजिटिव वर्ड से, लेकिन मैं फिर भी स्टिल पॉजिटिव हूं इस चीज के लिए कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, फिर से ये दुनिया आबाद हो जाएगी, फिर से ये जो साइंटिस्ट है, जो एजुकेशन है, दे विल वर्क हार्ड, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट अ वैक्सीन फॉर दिस कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही कहा है कुरान में कि मैंने हर एक दवा के लिए, मैंने हर एक बीमारी के लिए इलाज रखा है। तो अल्लाह ने अगर ये कोरोना वायरस हमें भेजा है तो डेफिनेटली उसने इसके लिए इलाज भी भेजा होगा। बट दिस इज ये हमारे लिए एक सबक है, ये हमारे लिए एक लेसन है, हमें इससे सीखना ही होगा। तो ये आपके दिमाग तक है, आप क्या सीखोगे इससे। तो यहां पे हम विदाउट वेस्टिंग टाइम देखेंगे कि लेमार्क का बड़ा क्रिटिक कौन था। तो जहां तक लेमार्क का सबसे बड़ा क्रिटिक था वो था विज्मान, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की किसने, अल्फर्ड विज्मान उसका नाम था, WEISMANN। विज्मान ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया इसको, लेमार्क को। लेकिन जिस वक्त विज्मान ने क्रिटिसिज्म किया था, उस वक्त लेमार्क बिल्कुल हम कह सकते हैं अपनी एज के शबाब पे था, बिल्कुल बुढ़ापे में था और गरीबी के हालत में था। वो ब्लाइंड हो गया और आखिर में उसकी मौत हो गई, शायद उसकी वजह से जो लेमार्क ने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई नहीं किया। क्योंकि अगर लेमार्क शायद जिंदा रहता, या अगर लेमार्क को उस वक्त उतनी एनर्जी होती या उतना पावर होता, तो शायद वो अपनी थ्योरी को मॉडिफाई जरूर करता। क्योंकि विज्मान ने जो क्रिटिसाइज किया या विज्मान ने जो पॉइंट उसको दिया, वो उस पॉइंट में इतना वैल्यू था, वो पॉइंट बिल्कुल हम कह सकते हैं ओवरवेट था, उसमें एक ताकत थी, उसमें एक वजन था।
क्योंकि मैं जान समझ सकता हूं कि लमार्क जो है उस वक्त शायद उस लेवल पर नहीं था कि वो अपनी थ्योरी को मॉडिफाई कर सके। या हम ये कह सकते हैं लमार्क की मौत हो गई बिल्कुल गरीबी के हालत में, ब्लाइंडनेस में, उसके आखिरी पल्लू में सिर्फ उसकी बेटी उसके साथ थी, वो बिल्कुल अंधा हो गया शायद, जिसकी वजह से वो फर्दर रिसर्च नहीं कर पाया और जिसकी वजह से शायद वो अपनी थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई नहीं कर पाया। तो यहां देखेंगे वीज़मैन ने क्या कहा। वीज़मैन ने देखो क्या कहा, वीज़मैन ने कॉन्सेप्ट दिया जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म। देखिए हमारे पास दो तरह के प्रोटोप्लाज्म है, एक है सोमेटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स, ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इन सोमैटिक सेल्स। वीज़मैन ने कहा कि जो सोमेटोप्लाज्म है यानी कि द चेंज इन द सोमेटोप्लाज्म, द म्यूटेशन इन द सोमैटिक सेल्स, सोमेटोप्लाज्म कभी पासा नहीं होता, ये पासन होता ही नहीं है। तो उसने कहा इट्स ऑनली जर्म प्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म इन जर्म सेल्स, प्रोटोप्लाज्म इन जर्म सेल्स, जो प्रोटोप्लाज्म है कहा है इन जर्म सेल्स। तो वो क्या कहता है, वीज़मैन कहता है कि जो प्रोटोप्लाज्म जर्म सेल यानी कि गैमेट्स में है सिर्फ वही पासन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो वीज़मैन ने कहा चेंज कहां आनी चाहिए, प्रोटोप्लाज्म में, गैमेट्स में चेंज आनी। तो जब चेंज आ जाएगा जर्म सेल्स में, प्रोटोप्लाज्म के जर्म सेल्स में, जर्म प्लाज्म में, सिर्फ वही चेंज पास ऑन हो सकती है तो अदर जनरेशन। तो इसके लिए वीज़मैन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, देखिए कितना क्रूवल और कनिंग एक्सपेरिमेंट था। उसने एक कपल लाया रैट्स का, उनके जो टेल है उसको कट किया, ध्यान से सुनिए, इसे एक कपल यानी कि दो रैट्स लाए मेल और फीमेल, उनके टेल को क्या किया, कट किया, उसके बाद इनको ब्रीड करवाया, इनको रिप्रोड्यूस, इनको आपस में जो है ना हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करवाया। तो उसकी वजह से जो उस रैट्स के फर्स्ट जनरेशन थी, जो उसकी फर्स्ट जनरेशन थी उनमें टेल्स थे, उनमें क्या थे, अंडरस्टैंड कीजिए, यहां वीज़मैन ने क्या लाया, उसने रैट्स लाए मेल और फीमेल, मेल और फीमेल रैट्स, उनके टेल्स पहले कट किए, ये टेल्स का, फिर उनको क्या करवाया, ब्रीड करवाया, उनको रिप्रोड्यूस करवाया एक दूसरे के साथ। उसके बाद जब उनके फुल जनरेशन पैदा हुए, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए उनमें टेल्स थे, उसने फिर फुल जनरेशन के रैट्स के टेल काट दिए, उनको आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन थी उनमें भी टेल्स आ गए, इसने क्या किया, इसने सेकंड जनरेशन के रैट्स के टेल्स काट दिए मेल और फीमेल के, उनको फिर आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। जब थर्ड जनरेशन आ गई उनमें स्टिल टेल्स थे, उन टेल्स को भी काटा, फिर उनको फिर आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो पैदा हुए फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन थे उनमें टेल्स थे, उनने फिर टेल्स काटे, मेल और फीमेल को रिप्रोड्यूस करवाया, तो फिफ्थ जनरेशन पैदा हुई, फिफ्थ जनरेशन को फिर से टेल्स थे, फिर इनके टेल्स काटे, फिर इनको रिप्रोड्यूस करवाया। ये प्रोसेस वीज़मैन ने कंटिन्यू किया कहां तक, अप टू 21st जनरेशन, यानी कि 21 जनरेशन ऑफ रैट्स तक कंटिन्यूअसली वीज़मैन ने क्या किया, उनने मेल और फीमेल रैट्स के जो टेल्स उनको काटा और उनको रिप्रोड्यूस करवाया। लेकिन आफ्टर एवरी जनरेशन जो रैट्स पैदा होते थे उनके टेल्स थे। जब उसने 21st जनरेशन के रैट्स लिए, उनके टेल काटे, उनको रिप्रोड्यूस करवाया, जब 22nd जनरेशन के रैट्स पैदा हुए उनमें टेल्स थे, यानी कि आफ्टर एवरी जनरेशन जो टेल वो पैदा होती, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग उनमें टेल थी। वीज़मैन पेरेंट्स के टेल काटता था और जब उनको रिप्रोड्यूस करवाता था उनके बच्चों में टेल्स आते थे। तो वीज़मैन ने कहा, उसने अपनी थ्योरी दी, हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म या थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ऑफ कंटिन्यूटी। उसने कहा इट्स ओनली जर्म प्लाज्म, इट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल्स जो पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वो कहता है कि जब तक म्यूटेशन या जब तक चेंज जर्म सेल्स में नहीं आ जाएगी तब तक ये कैरेक्टर्स पास ऑन नहीं होंगे। यह उसका पहला हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म था, किसको, लमार्किज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म यहां पर लिखूंगा, पसंद ही करूंगा। दूसरा क्रिटिसिज्म, आपको पता ही है जो हमारी वुमेन है वो अपने कान छेद करते हैं, ईयर पिन्ना जो है उसको बोर करते हैं, वो छेद करते हैं ईयर। क्या उनकी बेटियों में भी कानों में छेद होता है या उनकी बेटियों में कानों में छेद है? नो, हमारी घर में बहने हैं, बेटियां हैं या माँ है, उनकी कानों में छेद है। लेकिन जब उनकी बेटियों को देखते हैं, उनकी डॉटर्स को देखते हैं, उनके कान में कोई छेद नहीं होता। ये सेकंड एग्जांपल, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो मेल्स है ह्यूमन जो ह्यूमन जो मुस्लिम्स है स्पेशली मुस्लिम्स जो है मुस्लिम्स अपने बच्चों के मेल्स के सर्कमसिशन करते हैं, यानी कि वो अपने बेट जो उनके लड़के होते हैं जो मेल्स होते हैं उनके पेनिस जो है मेल कैपिलरी ऑर्गन उसको सर्कमसिशन कराते हैं। तो वो जो सर्कमसिशन होता है मेल कैपिलरी ऑर्गन में इन ह्यूमन मेल्स इन ह्यूमन मुस्लिम मेल्स, जैसे अगर हम कोई कपल लेते हैं एक पिता है उसके मेल कैपिलरी ऑर्गन में सर्कमसिशन हुआ है, तब जब उसको बेटा पैदा हुआ क्या उसके बेटे के मेल कैपिलरी ऑर्गन में सर्कमसिशन है? नो। अगर ऐसा होता तो बाप एक ही बार सर्कमसिशन करता फिर उसके आने वाली जनरेशन में सर्कमसिशन की जरूरत ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थर्ड एग्जांपल। फोर्थ, जो चाइनीज वुमेन है, चाइना तो है ही ऐसी कंट्री जहां पर डेफिनेटली बहुत सारी नई नई चीजें हैं, लाइफ में अगर शौक होगा तो कभी जाइएगा चाइना। तो जो चाइना है चाइना की जो वुमेन है जो चाइना की गर्ल्स है वो वियर करते हैं आयरन शूज, किस लिए? सो दैट उनके जो पैर है ज्यादा लंबे ना हो जाए साइज में, वो अपने पैर को रिड्यूस करके रखना चाहते हैं ताकि वो साइज में बढ़ ना जाए। तो जब उनकी बेटियां पैदा होती हैं उनके पैर ऑलरेडी बड़े होते हैं। इसी तरह अगर हम वेस्टर्न वुमेन को देखेंगे वेस्टर्न गर्ल्स को देखते हैं वो टाइट जीन्स पहनते हैं, किस लिए? सो दैट जो उनके वेस्ट है दे शुड लुक स्लेंडर SLENDER स्लेंडर नैरो। लेकिन जब उनकी बेटियां पैदा होती है उनके वेस्ट ब्रॉड होते हैं, सो दैट मीन्स एनी चेंज जो हो जाता है वो इनके बच्चों में पासान नहीं होता है। रिपीट कर रहा हूं, जो वेस्टर्न वुमेन है वो जीन्स पहनते हैं सो दैट जो उनकी वेस्ट है वो सिलेंडर शेप लगे नैरो शेप लगे, लेकिन जब उनकी जनरेशन होती है उनके आने वाले बच्चे होते हैं उनकी जो बेटियां होती है उनके सिलेंडर बिल्कुल नॉर्मल होते ब्रॉड होते हैं। सो इन सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी, या एक और एग्जाम्पल याद आ गई, जब हम एक रेसलर को देखते हैं रेसलर बंदा रेसलिंग करता है जिससे उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स बॉडी में चेंज आती है वो बेस्ट सूटेड होता है उसकी बॉडी बेस्ट होती है, मेरी तरह नहीं कि तू निकली हुई है। तो वो लोग अपने हेल्थ को फिट रखते हैं अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। जब उनके बच्चे पैदा होते क्या उनके बच्चे ऑलरेडी हेल्दी होते? जब क्या उनके बच्चों में ऑलरेडी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते? नो। तो दैट मीन्स अगर बाप ने रेसलिंग की है बाप ने जिम जाता था बाप अपनी हेल्थ को मेंटेन करता है बेटे को भी हेल्थ मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि बाप ने हेल्थ मेंटेन किया है तो बेटे को करना पड़ेगा। नो, बेटे को उस खुद वो अपना हेल्थ मेंटेन करना है। बाय स्टडिंग दीज एग्जांपल्स ये सबसे हाईएस्ट हम कह सकते हैं टफेस्ट क्रिटिक्स थे किसके? लैमार्क के। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला गरीबी के हालत में लैमार्क आखिरी दिनों में बीमार पड़ा वो ब्लाइंड हो गया जिसकी वजह से शायद वो अपनी थ्योरी को मॉडिफाई नहीं कर पाया और जिसकी वजह से उसने अपनी थ्योरी को जो जहां पर था वैसे ही रखा। लोगों ने क्रिटिक्स किया लोगों ने क्रिटिसिज्म किया लोग क्रिटिसिज्म करते रहे लेकिन लैमार्क बेचारा गरीबी के हालत में गुर्बत के हालत में उसकी मौत हो गई जिसकी वजह से उसने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई नहीं किया। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आ गए जैसे वीज़मैन था मैंने आपको बोला वीज़मैन था और बाकी बहुत सारे लोग आ गए उन्होंने लैमार्क की थ्योरी को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और एक नई थ्योरी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा था नियो लैमार्किज्म। नियो लैमार्किज्म यानी कि ये नई लैमार्किज्म है ये नई लैमार्किज्म है एक नई थ्योरी है जो उन्होंने मॉडिफाई किया उन्होंने उन पॉइंट्स को चेंज किया जो पॉइंट्स उनको लगे थे कि ये अगेंस्ट है जिस पे क्रिटिसिज्म हुआ था उन पॉइंट्स को मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने वीज़मैन के पॉइंट को ऐड किया यानी कि वीज़मैन का कौन सा पॉइंट द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्मा कंटिन्यूटी उसको ऐड किया और इस तरीके से उन्होंने अपनी इस थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक नई थ्योरी बना दी जिसका नाम क्या रखा नियो लैमार्किज्म। डियर स्टूडेंट्स यू नो इन बॉलीवुड एक डायरेक्टर है उसका नाम है इम्तियाज अली उसने अपनी एक मूवी बनाई थी इसका हीरो था सैफ अली खान और फिल्म का नाम था लव आजकल जहां पर दो जनरेशन के लव की वो कहानी बता रहे हैं। रिसेंटली इट वॉज 2019 आई थिंक सो 2019 में उसने अपनी फिल्म को फिर से बनाया ऑन द सेम प्लान सेम स्टोरी कोई चेंज नहीं सिर्फ उसने कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स नए लिए और थोड़ा थोड़ा उसको कहीं कहीं पे मॉडिफाई किया जहां उसको लगा कि यहां पे चेंज जैसे म्यूजिक चेंज हुआ
जो कोरियोग्राफी थी वो चेंज हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल जो गाने थे वो चेंज हो गए और उसने एक नई कास्ट करेक्टर्स लिए, जिसमें एक था कार्तिक और उसके अपोजिट उसने सैफ अली खान की बेटी ली सारा अली खान, और एक नई मूवी जिसका नाम था लव आजकल 2020। तो वो पुरानी थी लव आजकल 2020, जो लव आजकल वो पुरानी थी, सेम डायरेक्टर इम्तियाज अली, कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन उसी स्टोरी को थोड़ा बहुत उसने मॉडिफाई किया, गाने डिफरेंट थे, बाकी चेंज की और वही मूवी फिर से बनाई विद न्यू कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो सेम यहां पर भी है, लमार के ही थ्योरी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया और वीजमान के एक दो पॉइंट्स उसमें ऐड किए गए और उस थ्योरी को बनाया गया नियो लेमार्किज्म। लेकिन मेरे बच्चों, नियो लेमार्किज्म भी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म होते गए, और उसके बाद आ गया डार्विन, और डार्विन ने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम रखा उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। एक तो हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स और दूसरा है लेमार्किज्म। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी डिफिकल्टी हो, कहीं पे भी क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई इश्यू हो, प्लीज मुझे बोलिए। और जब आप YouTube पे इसको वॉच कीजिएगा 420 या 480, एक सबसे बेस्ट आता है 480 पिक्सेलिटी पे, उसको वॉच कीजिएगा हाई डेफिनेशन पे। उसके बाद भी कहीं पे इश्यू हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर नेक्स्ट क्लास। टिल, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।